from East West. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विद प्रॉस्पेरिटी। मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय और हमारे साथ हर बार की तरह आज भी मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट, जो बिना किसी तोड़फोड़ के आपके घर, दुकान और आपके ऑफिसेस का वास्तु ठीक करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर पुनीत चावला। मोस्ट वेलकम टू आर एंड ऑब्वियसली योर ओन शो प्रॉपर्टी विद प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम दोस्तों को इतना बताना चाहते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें इंटीरियर बाद में देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी के अंदर आपने देखना है कि प्रॉस्पेरिटी फैक्टर है कि नहीं है। प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी तो आप कितना सजा हुआ घर भी ले लोगे उसमें खुश नहीं रह पाओगे। तो हमारा मेन मोटिव है कि आप खुश रहें। बिल्कुल। और बात करते हैं, जैसे कि हम हर बार की तरह एक नया टॉपिक लेते हैं जो कि वास्तु के अनुसार डॉक्टर पुनीत चावला हमें उनके उपाय बताते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि आप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वैसे ही आज हम बात रुकावट की करेंगे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, रुकावट एक ऐसा शब्द जो कि आपके जीवन की गति को या फिर कहें कि जीवन की रफ्तार को धीमी कर देता है। रुकावट कभी कभी जिस मुकाम पे या फिर यूं कहें कि जिस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं, रुकावट आपको कहीं ना कहीं रोक देती है या फिर जो भी आपके काम होते हैं बनते बनते रुक जाते हैं। इस रुकावट की वजह से वो काम भी आपके रुक जाते हैं। तो फिर क्यों आती हैं जीवन में ऐसी रुकावटें, हमें बताएंगे पाँच उपाय डॉक्टर पुनीत चावला। तो पुनीत चावला, सबसे पहला उपाय जी, आज शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, वास्तु में बहुत सारी डायरेक्शंस नहीं होती हैं, सिर्फ 10 डायरेक्शंस होती हैं। तो आपको तो बहुत ही टिप्स पर इन डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। आप हमारे शो में रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से पता लगेगा कि कौन सी 10 दिशाएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जब गलत बनी हुई हो तो बहुत सारी रुकावटें हमारी लाइफ में आती हैं। उसमें सबसे बड़ा डिफेक्ट होता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का होना। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होती है तो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में रुकावटें आने लग जाती हैं, ऑब्स्टेकल्स आने लग जाती हैं, छोटी छोटी रुकावटें भी आती हैं। तो इनको दूर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बिल्कुल नहीं बनाएं। इन केस टॉयलेट है तो कोशिश कीजिए कि वहाँ से हट जाए। नहीं हटा सकते, बिना तोड़फोड़ के हमारे पास बहुत उपाय हैं। लाइव वास्तु सॉल्ट आप इस टॉयलेट में रखें। हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो यंत्र है बहुत ही अच्छा यंत्र है, नॉर्थ ईस्ट के सभी वास्तु दोषों को ठीक करता है। नॉर्थ ईस्ट के कोने में टॉयलेट से हट करके इस यंत्र को आप वहां पे स्थापित कीजिए और बहुत से उपाय हैं हमारे पास। जी बिल्कुल। और आपके जहन में भी अगर कोई भी सवाल हो या कुछ भी आपके मन में वास्तु से रिलेटेड चल रहा हो कि आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, बिना किसी संकोच आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर कॉल कीजिए। डॉक्टर पुनीत चावला तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। और साथ ही आपको ये बताना चाहूंगी, हमारे तमाम व्यूअर्स जो रोजाना यानी कि हम रविवार और शनिवार को आपके सामने हाजिर होते हैं, आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं और हमेशा हम शो के एंड में एक सवाल आपके लिए ज़रूर लाते हैं और उस सवाल का जवाब आप सभी को देना होगा और जो भी होगा लकी विनर उसके लिए डॉक्टर पुनीत चावला की तरफ से फ्री विजिट होगी। तो आप इस मौके को ज़रूर ग्रैब कीजिएगा, इस मौके को छोड़िएगा नहीं। और ना सिर्फ फ्री विजिट, उस विजिट को जो जीतेगा वह टीवी पर भी आ सकता है। तो यह मौका आपने छोड़ना नहीं है, अपने घर को वास्तु दोष मुक्त बनाना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत चावला, एक सवाल मेरे मन में भी है। जी, अक्सर हम देखते हैं कि हम कोई नया काम करने जा रहे हैं। जी हाँ। नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं लेकिन किसी कारणवश हमें समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ, कुछ रुक जाता है या हम वहां नहीं जाते, अगर जाते हैं तो वो काम हो भी नहीं पाता। जी हाँ, जी हाँ। ऐसा क्या किस लिए होता है वास्तु के? हमारा जब ओवरऑल वास्तु एनवायरनमेंट हमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है तो उसकी वजह से हमारा दिमाग कभी कभी चेंज हो जाता है, कभी कभी कोई कंडीशंस ऐसे बन जाती हैं कि रुकावटें आने लग जाती हैं। तो वास्तु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम वास्तु के साथ साथ तो भगवान पर विश्वास करते ही हैं। उसके लिए मैं एक आपको टिप देने जा रहा हूँ कि जो
हमारे सर्वप्रथम पूजनीय भगवान है भगवान गणेश, उनका ध्यान करके आप जरूर जाएं। किसी भी बुधवार वाले दिन भगवान को सुपारी का प्रसाद लगाएं और उस प्रसाद को अगर लेकर के रोजाना या कभी भी आप किसी भी जरूरी काम के लिए निकलते हैं तो वह काम आपका बड़े आराम से हो जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। बिल्कुल, तो ये बहुत इजी भी है करना अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम ज़रूर बने और उसमें हम ज़रूर सफल रहें। तो ये टिप्स ज़रूर आप जीवन में आजमाइएगा जो कि डॉक्टर पुनीत चावला ने बताई है। तो डॉक्टर पुनीत चावला, आज का दूसरा उपाय जी लेते हैं। दोस्तों, हम कभी कभी घर जब बनाते हैं तो बहुत सारा सामान अपनी छत पर इकट्ठा कर देते हैं। छत पर टूटी हुई टाइलें होती हैं, लकड़ी होती है, कभी कभी हम पेट्रोल या डीजल रख देते हैं या केरोसिन ऑयल रख देते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ईंधन की तरह होती हैं, या कुछ भी ऐसा रख देते हैं लेकिन वह हमारे काम नहीं आने वाला होता। उसकी वजह से आपकी लाइफ में रुकावटें आने लग जाती हैं। अगर अपने छत को आप साफ रखेंगे तब कोई भी रुकावट आपकी लाइफ में नहीं आएगी। वास्तु में यह आजमाया हुआ उपाय है, आपने भी जरूर आजमाना है और हमें एक्नॉलेज जरूर करना है। बिल्कुल डॉक्टर पुनीत चावला, जो दूसरा उपाय अभी आपने बताया, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जो एक्स्ट्रा सामान घर का होता है उसे हम या तो बालकनी में शिफ्ट कर देते हैं या तो फिर हम अपनी छतों में रख देते हैं। लेकिन अनीता, जब भी एक्स्ट्रा सामान होता है क्या वो एक्स्ट्रा सामान जरूरत आता है? नहीं आता, इसीलिए एक्स्ट्रा का उसे नाम दिया जाता है। तो उस एक्स्ट्रा को ना रखें और अपने आप को, अपने वास्तु एनवायरमेंट को हल्का रखें। जी बिल्कुल, तो ये जरूर आप अवश्य अपनाइएगा जो कि डॉक्टर पुनीत चावला ने बताया है। आपके मन में भी कुछ है, ऐसा सवाल हो तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल का जवाब आप जरूर ले सकते हैं। डॉक्टर पुनीत चावला, हम आज बात रुकावट की कर रहे हैं और हम अक्सर ये देखते हैं कि रुकावट तो जीवन में आती ही है, साथ ही हमारा मन भी नहीं लगता कभी कभी हमारे काम में। हम काम में बैठे तो हैं लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन कहीं और है। बताना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं हो पाती है, कुछ भी आप काम कर रहे हैं कंसंट्रेशन ही नहीं हो पा रही है। उसके लिए सबसे बढ़िया काम है कि आप जब भी कोई भी पढ़ाई करें, कोई भी काम करें कंप्यूटर पे, नॉर्थ फेस करके करें, क्योंकि नॉर्थ जो है बहुत ही अच्छी दिशा है। इससे हमें मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है और मैग्नेटिक एनर्जी हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा मन काम में जरूर लगेगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर पुनीत चावला, आज रुकावट के लिए तीसरा उपाय हम आपसे जानना चाहेंगे। जरूर लेते हैं। दोस्तों, दो मेन दिशाएं होती हैं, मुख्य जो दिशाएं हैं डायरेक्शन, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट, कभी भी आपके घर का अगर नीचा है, डाउन है, तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपके काम नहीं बनेंगे। अगर फैक्ट्री में, ऑफिस में साउथ वेस्ट डाउन है तो आपकी पेमेंट्स नहीं आएंगी। अगर पेमेंट्स आ गई, एडवांस पेमेंट्स आ गई, तो ऑर्डर्स बनेंगे ही नहीं, लेबर प्रॉब्लम आ जाएगी, ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो जाएगा तब भी यही प्रॉब्लम्स आएंगी, तो दोनों में बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस ऐसी प्रॉब्लम है तो बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। सबसे पहला उपाय, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा मिरर आपने लगाना है, साउथ वेस्ट को भारी रखना है। फिर हमारे पास टेक्निकल उपाय हैं, बहुत ही सेक्रेट ज्योमेट्री यूज़ करके हम कुछ ऐसे यंत्र बनाते हैं जो आप साउथ वेस्ट में लगाएंगे तो आपके वह सारे वास्तु दोषों को ठीक करेगा। जी, डॉक्टर पुनीत चावला, अगर ऑलरेडी बैलेंस ना हो, जैसे कि आपने बताया नॉर्थ ईस्ट, अगर वो ऑलरेडी वैसा ना हो तो फिर उसके लिए क्या? अभी हम बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट अगर बैलेंस नहीं है तो साउथ वेस्ट को भारी करें जी, और जो यंत्र है नॉर्थ ईस्ट का यंत्र आप उसमें लगा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो एक बार फिर से, जो भी व्यूअर्स हमारा ये शो देख रहे हैं उनके लिए एंड में एक सवाल होगा और उस सवाल का जवाब आप सभी को देना होगा। जो भी होगा लकी विनर, उसके लिए डॉक्टर पुनीत चावला की तरफ से फ्री विजिट रहेगी, तो आप इस मौके को गवाइएगा नहीं, जरूर आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा जो कि शो के एंड में आप सभी से पूछा जाएगा। तो आज का चौथा उपाय हम लेंगे डॉक्टर पुनीत जी। बिल्कुल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका बेडरूम गलत जगह पर बना हुआ है तब आपको एक तरीके से लाइफ पे लड़ने का मोर्चा नहीं मिल पाएगा। मेरा मानना है कि जब हम सोते हैं तब बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ को शेड करते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ को रीगेन करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स
जब सोते हैं तब वह बहुत ज़्यादा रीगेन करते हैं एनर्जी को, पावर को। नॉर्थ में इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी होती है कि आप वहाँ से एनर्जी को रीगेन नहीं कर पाते, बॉडी में डिसबैलेंस शुरू हो जाता है। तो वास्तु कहती है कि साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ में बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपने नॉर्थ में अगर बेडरूम बनाया हुआ है तो वहाँ से शिफ्ट करके साउथ साउथ वेस्ट में लेकर के जाइए। इनकेस नहीं कर सकते हैं तो टाइगर स्टोन रॉक और एक स्पेक्ट्रा लाइट का रॉक अपने बेडरूम में रखें। बिल्कुल, तो आप अभी तक ये समझ गए होंगे जो चार उपाय डॉक्टर पुनीत चावला ने हम सभी को बताए हैं कि रुकावटें जीवन में क्यों आती है, वास्तु के अनुसार आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ज़रूर जो बताया गया है आपको, आप उस पर अमल करेंगे, फॉलो करेंगे उस पर, या ना भी अगर आप समझ पाए हों तो आप ज़रूर शो के बाद भी हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पाँचवा उपाय भी हम लेंगे, लेकिन डॉक्टर पुनीत चावला, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। क्या आपकी लाइफ टेंशन से भरी हुई है? क्या सुख चैन और शांति आपकी जिंदगी से चले गए हैं? क्या आपके रिश्तों में खटास और कड़वाहट है? पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है? क्या पैसा, बिजनेस और जॉब में ग्रोथ का नाम आते ही आप सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं? क्या सब कुछ होते हुए सेहत आपका साथ नहीं देती? क्या आप अक्सर ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? ये ग्रहों का खेल है या पिछले जन्मों का फल? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर, दुकान या कार्य क्षेत्र का वास्तु आपके परिवार की परेशानियों का कारण हो सकता है? लाखों लोगों का प्यार और दृढ़ विश्वास है जो मानते हैं कि डॉक्टर पुनीत चावला एक बहुत ही काबिल वास्तु एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर चावला नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। वो बिना तोड़फोड़ यानी विदाउट डिमोलिशन साइंटिफिक लॉजिक्स के आधार पर कई सारे सॉल्यूशंस देते हैं।